कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। भावना थी जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे, उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा, और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नत ले जाने की उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। वो आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। आदमपुर से हाँ, मेरी इच्छा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन आलाकमान से प्रार्थना तो मैं यही करूंगा। मेरी इच्छा के अलावा सबसे बड़ी बात है कि आदमपुर हलके के लोग चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव लड़े, तो मैं ये बात हाईकमान तक पहुंचाऊंगा। जो बाकी बीजेपी जो फैसला करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए हिसार लोकसभा सीट से टिकट मांगा है। आपको बता दें कि बिश्नोई ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके इस्तीफे के बाद हिसार जिले की आदमपुर सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई है। देखिए, आज बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्याग पत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। बिश्नोई को जून में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस ने सभी पार्टी पदों से निकाल दिया था। चार बार के विधायक और दो बार के सांसद रहे बिश्नोई पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसी साल की शुरुआत में पार्टी के द्वारा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नजरअंदाज करने के बाद बिश्नोई ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे हैं। उन्होंने इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया।